सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है जो भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां कई बौद्ध स्मारक हैं जो तीसरी शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी के बीच के काल में बनवाए गए हैं। सांची का यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता था क्योंकि सम्राट अशोक का ससुराल विदिशा में ही था जहां से सांची की पत्थर युक्त पहाड़ी दिखाई देती थी। कहा जाता है कि अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर ही सांची में यह सुंदर स्तूप बनवाया था। बुद्ध का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए अशोक ने एक सुनियोजित योजना के तहत कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय आश्रय दिया। उन्होंने पुराने स्तूपों को खुदवा कर उनसे मिले अवशेषों के 48,000 भाग करके अपने राज्य सहित निकटवर्ती देशों में भेजकर बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। भारत में जिन स्थानों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया उनमें से सांची भी एक था। बौद्ध धर्म में ईश्वरवादी सिद्धांतों के स्थान पर शिक्षाओं का महत्व है। उनकी संरचनाओं में मंदिर से अलग हटकर स्तूप का एक नया विचार था। स्तूप में मंदिर की भांति कोई गर्भगृह नहीं होता। स्तूप शब्द संस्कृत या पाली से निकला माना जाता है जिसका अर्थ होता है ढेर। यह एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। इन स्तूपों के केंद्र में महात्मा बुद्ध के अवशेष को रखकर उसके ऊपर से मिट्टी पत्थर डालकर इसे एक अर्ध गोलाकार ढांचे के आकार में ऐसी चुनवाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई प्रभाव ना हो सके तथा इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र है। सांची में बौद्ध वास्तुशिल्प की बेहतरीन शिल्पियां हैं जिसमें स्तूप तोरण स्तंभ शामिल है। इसमें स्तूप संख्या 1 सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण बने हैं। तोरण किसी बड़ी इमारत या नगर का बाहरी गेट होता है जिसका ऊपरी भाग मंडप के आकार का हो। पूरे स्तूप के बाहर जहां पहले कठोर लकड़ी हुआ करती थी आज वहां पत्थर की रेलिंग बनी हुई है। अंदर वेदिका है। इस स्तूप के चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ है। स्तूप की वेदिका में प्रवेश के लिए चार दिशाओं में चार तोरण है। पत्थर से बने इन तोरणों में महात्मा बुद्ध के जीवन की झांकी जातक प्रसंगों को उकेरा गया है। यह कार्य इतनी बारीकी से किया गया है मानो कारीगरों ने अपनी कलम से उनको गढ़ा हो। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ है जिसे ईसा पूर्व 3री सदी से 12वीं सदी के मध्य माना जाता है। सांची के स्तूप के समीप एक बौद्ध मठ के अवशेष हैं। माना जाता है कि यहाँ बौद्ध भिक्षुकों के आवास थे। सांची की कृति राजपूत काल तक बनी रही किंतु पहले तुर्की के आक्रमण और बाद में मुगलों की सत्ता की स्थापना के बाद यह घटने लगी। औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म के केंद्र सांची गुमनामी में खो गया। उसके बाद यहाँ चारों ओर घनी झाड़ियाँ और पेड़ उगाए थे। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों का शासन आया तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जैन मार्शल को सांची के स्तूप बुरी हालत में मिले। चारों ओर घनी झाड़ियों के मध्य सांची के सही निर्माण का पता लगाना और उसका जीवन उद्धार करके मूल आकार देना बेहद कठिन था, किंतु उन्होंने बखूबी इसकी पुरानी कृति को कुछ हद तक लौटाने की कोशिश की। उनकी देखरेख में 1912 से 1919 के बीच सांची के ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। यहाँ का शांत वातावरण हर आने वाले को महात्मा बुद्ध के शांति के संदेशों को समझने में मदद देता है। धर्म और पर्यटन का संगम सांची अपने संघर्ष और गौरवशाली इतिहास की वजह से देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है।